छोटी सी टिप बताऊं फटाफट से। अभी मैंने बेस लगाया है, सिर्फ स्क्रब किया, ऑयल लगाया फेस के ऊपर, उसके बाद कंसीलर लगाया पूरे फेस के ऊपर, कोई फाउंडेशन नहीं है तभी आपको पिंपल का दाग भी नजर आ रहा है। सिर्फ आई मेकअप किया और जॉनसन्स बेबी पाउडर पूरे फेस पे लगाया। अभी मैं एक पानी की स्प्रे की जो बॉटल होती है उसके अंदर कुछ बूंदे मैं ग्लिसरीन की डाल रही हूँ। अब मैंने तीन तीन बूंदे थी इसमें, ठीक है थोड़ा सा खत्म ही है, तो इसमें ग्लिसरीन डाली मैंने। ग्लिसरीन डालने के बाद आप इसके अंदर ऑयल भी डाल, फटाफट से बना रही हूँ वीडियो इसलिए, ठीक है। इसके अंदर मैं एक दो तीन, बस तीन ड्रॉप्स मैंने ऑयल की डाल दी। अभी ऑयल डालने के बाद फटाफट से इसको बंद करेंगे, पानी इसमें ऑलरेडी है। और जब मेकअप ऑलरेडी पाउडर लगाया हो ना या फाइनल स्प्रे करनी हो, इवन मेकअप से पहले भी कर सकते हो और मेकअप के बीच में भी और मेकअप के बाद भी, हल्की सी स्प्रे इस तरह का अगर स्प्रे बॉटल है आपके पास तो ये बहुत अच्छा रहता है स्किन के लिए भी, और वैसे भी आपका मेकअप सेट हो जाएगा। ग्लिसरीन से भी मेकअप सेट रहता है और ऑयल से भी। अगर आपको बहुत ऑयली स्किन है और पसीना आता और मेकअप नहीं दिखता तो आप ऑयल मत लगाना, एलोवेरा डाल सकते हो। मैं आपको बताती हूँ, सपोज आपकी जैसे ऑयली स्किन है और आपको ऑयल नहीं डालना है फिर, ठीक है ग्लिसरीन डालनी है, ऑयल नहीं डालना है, फिर आपको एलोवेरा के कुछ ड्रॉप्स डालने हैं, सिर्फ इतने बस, दैट्स इट। पानी जैसे 100 ml हो गया, उससे ज्यादा नहीं। फिर से दोबारा इसमें डाल के दिखाते हो मेरे फाइनल। मे एक्चुअली पार्टी, नानीमा का बर्थडे है आज, उनके पार्टी के लिए मेकअप कर रही हूँ। ऑलरेडी बाल भी गीले हैं, मुझे पता है आप सोचोगे यार ये नाइट सूट पहन के क्या कर रही है, ये वीडियो की सीरीज चल रही है, मैं पता नहीं कैसे कैसे पोस्ट करूंगी, लेकिन आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो वैसे क्या दूर से स्प्रे करना है हमेशा, आई थिंक कम से कम 30 cm दूर से स्प्रे करूंगी। देखो एक बार किया बहुत है, पूरे फेस के ऊपर भी लग गया, इसको ड्राई होने देना, इससे मेकअप पक्का हो जाएगा। इसके मैंने पहले ब्लश ऑलरेडी लगाया हुआ है, वो बहुत अच्छी वीडियो थी कि ब्लश कैसे लगा सकते हो डेली बेसिस के लिए भी, तो वो मैंने लगाया है यहाँ पे गालों पे। अब मैं इसके ऊपर प्रॉपर ब्लश भी लगाऊंगी पाउडर वाला, लेकिन ये मेरा लिपस्टिक वाला ब्लश था, ठीक है। तो इससे हमारा मेकअप एक तरह का फाइनल हो जाता है, सेट हो जाता है। इसके बाद एक बार और पाउडर लगाऊंगी ना तो वो पूरा मेकअप सेट होगा, वो मैं एंड में लगाऊंगी, ठीक है, जब सारे मेकअप को थोड़ा सा ब्लेंड करना होता है। तो ये मैंने आपको टिप बताने थी फटाफट से कि भैया ये स्प्रे वाली जो चीज है ना ये मतलब बेस्ट है, इससे मेकअप बहुत देर तक टिकता है। अब इसकी फिनिश भी देखो, मेकअप की पूरी जो स्किन है बिल्कुल एंड स्किन लाइक मेकअप नजर आता है। मैंने बेस बिल्कुल नहीं लगाया हुआ है, सिर्फ आईज की है हल्की सी, वो आप एंड वाली लुक देखना मेरी एंड वाली वीडियो में, ये सारी मेरी सीरीज चल रही है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, क्योंकि डांट पड़ जाएगी इसलिए अगली वीडियो में मिलते हैं।